हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक जेई का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया और इसका जो भी कंसेप्ट है वो पूरा कवर करेंगे, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। और देखा जाए तो ये एकदम इजी टॉपिक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था आइंस्टाइन ने। इसके पहले कि इस एक ये था एक एक्सपेरिमेंट था आइंस्टाइन का, इससे पहले जो प्लैंक थे उन्होंने कुछ अजम्पशन किए थे एनर्जी के बारे में, जो पार्टिकल्स और वेव की जो एनर्जी होती है। उन्होंने बोला था कि जो प्लैंक थे उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, जो ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने दिया था जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। उन्होंने ये अजम्पशन माना था कि जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, ई बराबर एन एच न्यू, ठीक है, और जो वेव प्रोपोगेट करती है वो कंटिन्यूसली प्रोपोगेट करती है, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और एनर्जी डिसकंटिन्यूसली प्रोपगेट करती है। तो इसी को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें बताया कि जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है और डिसकंटिन्यूसली प्रोपगेट करती है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया कि एक ग्लास की ट्यूब ली और उसमें मेटल्स के दो इलेक्ट्रोड लगाए और उनपे लाइट इंसिडेंट करवाई, जिससे कि मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने को पता है, ठीक है। ये जैसे कोई भी मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पे उन्होंने लाइट इंसिडेंट करवाई और जिससे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एमिट हो गए, बाहर बाहर निकल गए मेटल से। तो बाहर निकलेंगे तो उन्होंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, एक वोल्टेज सोर्स लगाया, एक एमिटर लगाया, तो इसमें क्या करंट फ्लो हुआ। तो अब इसका कैसे पता चलेगा कि एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, तो इसको समझते हैं अपन। तो ये अपने पास ये मेटल है, इस पे लाइट इंसिडेंट करवाई जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, बाहर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया कि एक ग्लास की ट्यूब ली और यहाँ पे दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए और एक वोल्टेज सोर्स लगाया, यहाँ पे मान लेते हैं एमिटर है जो कि करंट को बताएगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है, मेटल पे। तो मेटल पे इंसिडेंट करवाएगी तो मेटल से क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, तो ये जो इंसिडेंट है इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। व्हेन वी इंसिडेंट द लाइट ऑन द मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स कम आउट इंसिडेंटली, मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते और एकदम से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मेटल है, ठीक है, जैसे मान लो कि इंसिडेंट करवाए, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी एनर्जी एच नहीं हुई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी की
रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जो वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होता है वर्क फंक्शन या कार्य फलन, ठीक है, W। और जो एनर्जी होती है वो होती है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे अगर अपने को क्या करवाना होगा कि जो वर्क फंक्शन है, जो इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा अपने को एनर्जी इंसिडेंट करवानी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वरना अगर इससे W से जो एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे वो अगर कम रह गई तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी और वो बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस पे भी आ जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे न्यू नोट जो न्यू है फ्रिक्वेंसी है, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नोट से ग्रेटर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो पहली बात तो ये हो गई, जब भी लाइट इंसिडेंट करवा रहे तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और जो एनर्जी बची हुई है बाकी की जो इंसिडेंट एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू अपन ने इंसिडेंट करवाई, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ने इतनी तो ले ली और वो बाहर आ गए, ठीक है, इतनी एनर्जी लेके बाहर आ गए, और जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पास चली गई, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या है एक साइड से दूसरे साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो करंट इधर, करंट की डायरेक्शन ये होगी, वैसे तो डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है करंट, लेकिन मतलब कि इस साइड से करंट मतलब कि अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट इधर आएगी, ठीक है। तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे तो इसी इंसिडेंट को क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके कुछ देखेंगे कि ग्राफ्स वगैरह देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा है। तो ये करंट है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या इफेक्ट हो रहा है, और जो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज है वो भी मान लेते हैं बैटरी का। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई अपने पास के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं या आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। और एक ये आ गया वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नोट, न्यू नोट अपने पास है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और क्या ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी, तो अब देखते ग्राफ जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ेगी, इसकी इंसिडेंट जो रे है या लाइट है उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी,
है, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बट इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे जो करंट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उतने के उतने ही है। जैसे कि ये मेटल है, इसके अंदर अब जो अपने पास एक फोटोन आया तो उसकी चाहे एनर्जी कितनी हो लेकिन वो एक को ही बाहर निकालेगा, और जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी क्या होता है, एन इंटू एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए जा रहे हैं, जितने ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे करंट बढ़ता नहीं है, करंट उतना ही रहता है सेम, जबकि इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहे तो करंट विल बी ग्रेटर, करंट विल बी मोर, ठीक है। एक ग्राफ अपने पास ये कर काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, भाई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम रहेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी नहीं ना, क्योंकि वो तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ने अपने पास रिक्वायर्ड एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन ने गेन की एनर्जी, और वो मेटल के अंदर ही रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो कैसे रहेगी, क्योंकि वो बाहर तो आया ही नहीं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, तो यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है। अब एक ग्राफ है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। एक अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होता है, अपने को पता है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, ठीक है। जैसे अपन ने उस पर लाइट इंसिडेंट करवाएगी तो उसकी क्या है, उसके पास पहले से कुछ करंट है, ठीक है। फिर बाद में अपन ने बाहर से जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो लगाया और वो उसको इंक्रीज किया, जैसे जैसे इंक्रीज होंगे फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो सेचुरेशन पे चले जाएगा, उसके बाद में करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम वोल्टेज को इसका साइन चेंज करके या फिर इसको नेगेटिव में इसको इंक्रीज करें, ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये फोटोइलेक्ट्रिक एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। इस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अपन एक मिनट, वो देखते हैं डायग्राम। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे और इनकी एनर्जी, इनके पास है काइनेटिक एनर्जी के ही, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या, करंट पहले बढ़ेगा फिर सेचुरेट हो जाएगा।
अगर हम वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी इनके पास, ठीक है, जब जो ये वोल्टेज है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी और जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ई वी इजकल टू काइनेटिक एनर्जी, इनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होते ही क्या हो गया, इनके पास एनर्जी जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो इसी जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, कि इस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन का मोशन जीरो हो गया, जिससे भी कोई भी इसके अंदर करंट बिल्कुल भी नहीं है, करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टॉपिंग वोल्टेज पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई स्टॉपिंग वोल्टेज की, के इज इक्वल टू ई वी, ठीक है, ई वी एस, यहाँ पे वी एस है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर इसके अंदर अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, जैसे मान लो ये आई पी वन है और ये आई पी टू और ये इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी ना। तो ये है यहाँ पे इंटेंसिटी है, ठीक है, ये करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी वन पे, इंटेंसिटी टू पे, तो यहाँ पे इंटेंसिटी टू ग्रेटर देन इंटेंसिटी वन, आई टू ग्रेटर देन आई वन, तो इंटेंसिटी आई टू ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा जब ये जीरो होगा वोल्टेज, जितना ज़्यादा अपन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड में, तो वो क्या होगा कि उस पर उनका मोशन जीरो हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या अपने को पता चल रहा है, एक तो अपन मेटल पे जब लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जा रहे हैं, तो इसी इंसिडेंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए अपने को क्या, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी क्या है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, कि इससे तो एनर्जी ज़्यादा ही होनी चाहिए तभी वो इमिट होगा, बाहर बाहर आएगा, वरना इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मोस्ट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है उनसे इक्वेशन आते हैं, एक तो ये इक्वेशन होगी के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, या फिर ये ऐसे भी हो सकती है के बराबर के इजक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू अपने पास वर्क फंक्शन है वो गया एच न्यू नोट, और ये एक स्टॉपिक पोटेंशियल वाली इक्वेशन आ गई ए बी एस इजक्वल टू के मैक्सिमम। तो ये तो पता रखना ही है, और इसके साथ साथ वो ग्राफ, एक ग्राफ थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो इंसिडेंट जो वे जो लाइट है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, इससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो बढ़ेगी,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। और एक हो गई काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने पर, ठीक है। उससे पहले तो काइनेटिक इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो उनके पास नहीं होगी, तो वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी ये कही है वोल्टेज और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उनके पास पहले से करंट, जैसे इंसिडेंट करवागी तो बाहर इलेक्ट्रॉन आ गए तो पहले से करंट है, फिर बाद में अपन अगर एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी वहाँ पे करंट सेचुरेट हो जाएगा कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब ये बढ़ाते हैं तो ये अपने अगर के ई मैक्सिमम के बराबर कर देते हैं नेगेटिव में, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। के ई माइनस ई वी एस जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास मैक्सिमम, वो अगर स्टॉपिंग वोल्टेज उसकी एनर्जी के बराबर होता है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। जिस वोल्टेज पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है उसको स्टॉपिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये चार पांच, ये तीन चार, ये जो इक्वेशंस है वही ज़्यादा क्वेश्चंस में काम आती है, और ये कि ये पता रहना चाहिए कंसेप्ट, ये ग्राफ वाला, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सी ग्राफ सही है या फिर किसमें, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, दो इंटेंसिटी दे दिए, ग्राफ दे दिया कि कौन सी सही है, किसमें करंट ज़्यादा है, मतलब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो, और किस किस टॉपिक के लिए वीडियोस वगैरह चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।